देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। किसी भी व्यक्ति को बीमारी से निजात दिलाने में दवाओं का अहम योगदान होता है। दवाओं के बेहतर उपयोग से जीवन की अंतिम सांसें ले रहे व्यक्ति को भी नई जिंदगी मिल जाती है। इसकी उपयोगिताओं के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा, लेकिन सिद्धार्थ नगर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की नजर में इन दवाओं की कोई कीमत नहीं, क्योंकि अगर इन दवाओं की उपयोगिता का जरा भी ख्याल सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को होता तो शायद जीवन रक्षक दवाओं को जलाकर नष्ट करने का अपराध नहीं किया जाता। सिद्धार्थ नगर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की नजर में इन मेडिसिन की कोई कीमत नहीं, क्योंकि अगर इन दवाओं की उपयोगिता का जरा भी ख्याल इस सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को होता तो जीवन रक्षक दवाओं को जलाकर नष्ट करने का अपराध शायद ही नहीं करते। बेहद गंभीर श्रेणी का ये मामला सिद्धार्थ नगर जिले के बढ़नी ब्लॉक स्थित सरकारी अस्पताल का है, जहां शासन से मरीजों के इलाज के लिए आवंटित दवाओं के जलाने का एक वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में अस्पताल परिसर में ही लाखों रुपए की दवाओं को जलाकर नष्ट करते हुए देखा जा सकता है। काश यहाँ के डॉक्टर इन दवाओं को जरूरतमंद बीमार मरीजों को उपलब्ध करा देते तो न जाने कितने लोगों को बीमारी से मुक्ति मिल जाती, लेकिन यहाँ के संवेदनहीन डॉक्टर इन दवाओं को जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुँचा सके। सूत्रों की माने तो इस अस्पताल के डॉक्टर कमीशन खोरी के चलते मरीजों को प्राइवेट दुकानों में उपलब्ध दवाएं लेने को मजबूर करते हैं, जिसकी वजह से शासन से आई दवाएं स्टोर रूम में ही डंप रह जाती हैं। बाद में इन्हें लोगों की नज़रों से बचाकर जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। हालांकि ये बेहद ही गंभीर मामला है, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं दबकर ही रह जाती हैं। जब इस बारे में सीएमओ से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि इस वीडियो को मैंने भी देखा, ये बेहद ही गंभीर मामला है। इस मामले में जिलाधिकारी ने जांच के लिए आदेश जारी कर दिए हैं और शोहरतगढ़ के एसटीएम को जांच की जिम्मेदारी भी दी गई है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो मैंने भी देखा है और ये वायरल हुआ है, वीडियो मैंने भी देखा है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए डीएम साहब ने एसडीएम शोहरतगढ़ को भेजा है, मैंने सुपरिंटेंडेंट शोहरतगढ़ को भेजा है जांच के लिए, आज शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। फिलहाल जांच की बात कर प्रशासन ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जरा सोचिए कि अगर इन दवाओं को सही समय पर जरूरतमंद बीमार लोगों को दे दिया गया होता तो न जाने कितने गरीब लोगों के जीवन को ये नई सांसें देती। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पुलिस में सुधार और लोगों के बीच बढ़ रही दूरी को कम करने के लिए मुरादाबाद के आईजी ने बिजनौर के रॉयल कैसल बैंको हॉल में एक जनसंवाद का आयोजन किया। इस आयोजन में पुलिस के सभी अधिकारी समेत स्कूल के बच्चों और समाज के सभी वर्ग के लोगों ने शिरकत की। बिजनौर में पुलिस में सुधार और लोगों के बीच बढ़ रही दूरी को कम करने के लिए मुरादाबाद के आईजी ने बिजनौर के रॉयल कैसल बैंकट हॉल में एक जनसंवाद का आयोजन रखा। इस आयोजन में पुलिस के सभी अधिकारियों समेत स्कूल के बच्चों और समाज के सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के तहत बिजनौर की जनता ने आईजी से सवाल जवाब किए, साथ ही पुलिस को सुझाव भी दिया कि पुलिस व्यवस्था में कहां और कैसे सुधार किया जा सकता है। मुरादाबाद आईजी विनोद कुमार सिंह ने बिजनौर जिला पहुंचकर पहले अपने अधिकारियों से बातचीत की और बाद में वहाँ के लोगों से पुलिस में सुधार और कमी को लेकर जनता से जनसंवाद किया और कार्यक्रम में मौजूद लोगों से बातचीत कर जवाब दिया। स्कूल से आई छात्राओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस के कुछ लोग थाने में लड़कियों द्वारा शिकायत जब करने जाते हैं तो पुलिस के लोग उनकी शिकायत सुनने की जगह उन्हें ही सुझाव देने लगते हैं, जिससे लड़कियों को पुलिस में या थाने में जाने पर भय लगता है। जिस पर आईजी ने लड़की को जवाब देते हुए कहा कि ये जनसंवाद इसीलिए रखा गया है जिससे हमें अपनी कार्यप्रणाली के बारे में पता चल सके और आपके बीच में पुलिस का भय खत्म हो सके। करता था तो मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते थे, आज स्कूल में एक टीचर बोलने की उसको हिम्मत नहीं है कि अगर मैं कुछ ज्यादा बोल दिया तो इसका पेरेंट्स मेरे आगे स्कूल पे आके हंगामा करेगा। तो मेरा तो कहने का मतलब है लिबरल हम हो, बट जैसा आप ही ने कहा यू आर अ टी
का कोई विकल्प नहीं है। और मैंने जैसा शुरू में कहा, घर पहली पाठशाला है। नया जमाना चल गया, पेरेंट्स मींस फ्रेंड्स। अच्छा भैया, फ्रेंड्स तो रहे, लेकिन बाप माँ भी तो है। मेरी कुछ तो चलती होनी चाहिए, मेरे बाप का कुछ तो वक्त होना चाहिए। हम कहाँ करेंगे दुश्मन। ऐसा इंडिया बदल गया, एडी से इंडिया मतलब बाप मतलब बाप, माँ मतलब माँ। और 2018 के इंडिया में बाप का भीख मांग रहा है बच्चे से, उसके आगे आगे नीचे घूमता है। वहीं एक बुजुर्ग महिला रिटायर्ड प्रिंसिपल मीना बख्शी ने आईजी से सवाल करते हुए कहा कि लगातार उनकी समिति के द्वारा भी शिकायत करने पर स्कूल की छुट्टी के समय पर ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया जाता और ना ही तेज वाहन और नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर कोई कार्रवाई की जाती है। आईजी ने जवाब देते हुए एसपी सिटी दिनेश सिंह को निर्देश देते हुए कहा कि इस समस्या को 15 दिनों के अंदर सभी स्कूल वालों से बातचीत कर खत्म किया जाए। इस कार्यक्रम के दौरान बिजनौर एसपी उमेश कुमार सिंह समेत सभी एडिशनल एसपी और सीओ कार्यक्रम में मौजूद रहे। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दरअसल ये शातिर चोर जिले में वाहन चोरी और नक वजनी के अपराधों को अंजाम देकर नेपाल भाग जाते थे, जिस वजह से पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करने में खासी परेशानी हुई। सिद्धार्थनगर जिले में 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई। ये शातिर चोर जिले में वाहन चोरी और नक वजनी के अपराधों को अंजाम देकर नेपाल भाग जाते थे, जिसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस को खासा परेशानी हुई। मुखबिर की सूचना पर जिले की स्वाट टीम और सदर थाने की पुलिस ने 4 शातिर चोरों को जमुआर नाले के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इनके निशानदेही पर इनके घर से बड़ी मात्रा में जेबरात और एक नाजायज तमंचा कारतूस समेत 2 चाकू भी बरामद किए गए। चोरी के सामान को ये चोर नेपाल में ले जाकर बेचते थे, साथ ही घटनाओं को अंजाम देकर नेपाल में ही कुछ दिन रुकते थे। पकड़े गए ये चोर जिले में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम भी दे चुके हैं। पुलिस इन चोरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मान रही है। पुलिस कप्तान ने इन शातिर चोरों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 5,000 रुपए देने की घोषणा भी की। भानु स्वाट टीम के प्रभारी दीपक दुबे, हरिंदर राय, अश्वनी राय एवं समस्त टीम ज्वाइंट रूप से ऑपरेशन चलाया, जो विगत दिनों में वाहन चोरी, चोरी नकबजनी की घटनाएं थी, तो उसमें से 9 घटनाओं का अनावरण हुआ है। 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और चोरी के जो प्रमुख चोरी थी राजेश वर्मा एवं अन्य घरों की चोरी के माल बरामद है। इनके कब्जे से तमंचे, चाकू, मोबाइल फोन, कारतूस आदि बरामद हुए हैं। जो 4 अभियुक्त हैं उसमें रमजान उर्फ बन्नर, जो कुछ वर्ष पहले जेल से फरार हुआ था सेंध लगा करके, मोहम्मद रईस, अजय और राम नयन, 2 अभियुक्त जो संजय उर्फ भेल्लर और राजू उर्फ इस्माइल, ये भागने में सफल रहे हैं, ये वांछित हैं, इनकी भी गिरफ्तारी की जानी है। इन गैंग को सूचीबद्ध कराया जाना है, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी और पकड़ने वाली टीम को 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में पुलिसिया कार्रवाई से नाराज सपा की महिला नेत्री ने जमकर हंगामा किया। महिला का आरोप था कि स्थानीय पुलिस ने पूर्व सरकार द्वारा उसको आवंटित की गई मोबाइल फिश कॉर्नर को न सिर्फ चलाने से रोका बल्कि उसके पति को भी हवालात में बंद कर दिया गया। यही नहीं, थाने पहुंची सपा नेत्री ने पुलिसिया कार्रवाई का विरोध किया तो थाने में पहले से मौजूद दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में उससे अभद्रता की। लखनऊ के पौष थाना गोमती नगर में पुलिसिया कार्रवाई से नाराज समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री ने जमकर हंगामा किया।
महिला का आरोप था कि स्थानीय पुलिस ने पूर्व की सरकार द्वारा उसको आवंटित की गई मोबाइल फिश कॉर्नर को न सिर्फ चलने से रोका बल्कि उसके पति को भी हवालात में बंद कर दिया गया। यही नहीं, जब थाने पहुंची सपा नेत्री ने पुलिसिया कार्रवाई का विरोध किया तो थाने में पहले से मौजूद दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में उससे अभद्रता की। इसी बात से नाराज महिला ने पुलिस को भी काफी खरी खरी सुनाई। हालांकि पुलिस ने सपा नेत्री के आरोपों को बेबुनियाद बताया। आज शाम को गोमती नगर पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो लोग खुले में शराब पीते हैं और सड़कों पर गुंडागर्दी करते हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाया था। इसी क्रम में एक सूचना मिली थी कि जयपुरिया स्कूल के सामने काफ़ी सारे लोग जो अपनी दुकानें लगाते हैं जो कि किसी तरह की उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और वो किसी तरह से ऑथराइज नहीं है, तो उसके खिलाफ भी पुलिस ने एक अभियान चलाया था और रोड पे जो ट्रैफिक लगता है उसके खिलाफ अभियान चलाया था। तो उस क्रम में काफ़ी लोगों को बुलाया गया था थाने पर और वो लोग उनका चालान किया गया, उनको उचित धाराओं में उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उसी में से कोई व्यक्ति आया था जिसकी पत्नी है जो थाने पर आई, उन्होंने अपनी बात काफ़ी देर तक वो यहाँ रही, उन्होंने अपनी बात कही, काफ़ी उन्होंने तेज़ी ऊंची आवाज़ में भी कहा, उनको काफ़ी समझाया बुझाया गया, तब जाकर वो शांत हुई। उनको बताया गया किस बारे में कार्रवाई की जा रही है और अब वो अपने उनको यहाँ से वापस भेजा गया है और अब वो शांति बना के वापस आए। दरअसल विभा शुक्ला नाम की सपा नेत्री की गोमती नगर की जयपुरिया चौराहे के पास पूर्व की सपा सरकार में उसको आवंटित हुई मोबाइल फिश कॉर्नर की शॉप है। देर रात गोमती नगर पुलिस ने महिला नेता की फिश शॉप के खिलाफ अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की और उसके पति को लॉकअप में डाल दिया गया। विभा शुक्ला को जब इसकी जानकारी हुई तो वो थाने पहुंची, लेकिन यहां उसकी फरियाद सुनने की जगह पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने उसके साथ अभद्रता की। आरोप है कि थाना प्रभारी गोमती नगर ने उसके पति और शॉप के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की नेता है। यही नहीं, सपा नेत्री विभा शुक्ला ने सरकार के इशारे पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये आवाज पहुंचाइएगा प्रधानमंत्री जी तक, वो कहते हैं पकौड़ा बेचो, हम बेचते हैं पकौड़ा वेल एजुकेटेड होके, वो बिकवाए पकौड़ा किस रोड पे बिकवाएंगे, उनकी पुलिस पकौड़ा तक नहीं बेचने देती, वो रोजगार क्या देंगे। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में विकास खंड भनवापुर में नवनियुक्त अध्यापकों का स्वागत और संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें 28 अक्टूबर को सांसद के घर पर अनशन और 26 नवंबर को संसद भवन का घेराव करने की रणनीति बनाई गई। विकासखंड भनवापुर में नवनियुक्त अध्यापकों का स्वागत एवं अटेवा संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें 28 अक्टूबर को सांसद के घर पर अनशन और 26 नवंबर को संसद भवन का घेराव करने की रणनीति बनी। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अटेवा जिलाध्यक्ष जनार्दन शुक्ला ने कहा, अगर पुरानी पेंशन योजना को सरकार ने बहाल नहीं किया तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। आज 2 सालों से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन कर रहा है, जैसा सबको पता है आज पूरे देश में हमारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन चल रहा है। 2005 के बाद जितने भी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं उनको पुरानी पेंशन से वंचित रखा गया है। इसी पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं लगातार 2-3 वर्षों से और इसके लिए बिल्कुल इस समय हम लोग जन आंदोलन सड़क से लेकर संसद तक बिल्कुल तैयार हैं। आगामी 28 अक्टूबर को हम हर सांसदों के घर पे उपवास करने जा रहे हैं। आगामी 26 नवंबर को हम देश का संसद घेरने जा रहे हैं संविधान दिवस के मौके पर। आगामी 2019 का इलेक्शन अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि सरकार को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। समस्त पूरे देश में आंदोलन हो गया, 58 लाख पेंशन मेन शिक्षक कर्मचारी साथी हैं हमारे और निश्चित रूप से ये आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।